Hey guys, welcome back to our channel, Delhi Into Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम इश्मुशी ड्रामे के एपिसोड 25 पर हैं। तो guys, मतलब मजा तो काफी आ रहा है। जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। रिश्ता लेके गए हैं यार, साथ में देखते हैं एपिसोड 25, एंजॉय करते हैं उसके बाद। आ गए भाई, घर पे आ गए। अब बस 5 मिनट और आ रहे हैं। इज ही ऑलराइट? जी ठीक है। हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं बस आ रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, मसला नहीं है, आप बैठ जाएं। कुछ भी नहीं, कुछ ये होता है एक समझदार बंदा। सफिया जी, मैं चाह रहा था कि आज की गुफ्तगु मैं माजरत से शुरू करूं। आप प्लीज कोई तकल्लुफ ना करें, हम इंतजार करें। मैं लेकर आती हूँ। भाई इतने मतलब बड़े लोग आए हैं तो यार थोड़ा ना होता है। वो आवाज में दिख रहा है, वो ये समझ गया, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हाँ, इतना कैसे बदल गए मेरे बाबा। क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे हुए? आपको पता है ना, शामीर के घर वाले आए हैं बाहर। किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती, चले। हाँ सफिया, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शिब्रा के नसीब का फैसला करते हुए आप उसकी तरफ देखेंगे जरूर, उसे जीने देंगे मरने नहीं। आ जाए। क्या बात किया, ये फंस गया दोनों तरफ, ये फंस गया बेचारा, ये फंसता है हर सिचुएशन में, फंसता है। क्या बात है, आज तो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही हो यार, बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ, गरीब आदमी, जाओ यहाँ से, किसी ने हमें देख लिया तो बुरा मानेंगे। अच्छा, और ये अच्छी बात है, वहां मेरे बाबा आए हैं, तुम उनको इग्नोर कर रही हो। एक टाइम था तुम शेरनी हुआ करती थी। सही कह रहा बनने वाले से नहीं मिल रही। साख का मूड नहीं, ऐसे भी बहुत फिकर हो रही है मुझे, पता नहीं बाबा का क्या रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है सुलेमान साहब ने भर मुझे गले लगाया, इसका मतलब समझती हो? दिल से ना करे, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, पता नहीं, दिल घबरा रहा है। तुम्हारी सोच है मेरा दिल कितना घबरा रहा है जी। ये देखो, हाथ लगाओ मेरा दिल की धड़कन, चेक करो कैसे धक धक कर रहा है, कैसे ब्रेक डांस कर रहा है, चेक करो। हमारे इन सस्ते मजाक सुनने का मूड नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कसम खाई है तुम्हें जिंदगी में मुस्कुराता हुआ देखने की। और अगर 5 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं कसम खा लूंगी तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। ओ 5 सेकंड, ओ वो तो मेरे फेवरेट है, चलो स्टार्ट कर। एक, दो, तीन, चार, पांच, दो मिनट खत्म करती हूँ, जाओ अभी यहाँ से। यार रोड क्यों हो रही हो तुम, जाओ ना। मजा ले रहा है भी। अभी तो खुश है दोनों। सामने बैठे हुए। ये तो बहुत खुश है भाई, ये बंदा। ये भी खुश है, ये भी खुश है। बस ये इसको दे दियो। इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, दाऊद अली खान साहब, आपने हमारे गरीब खाने में आके हमें इज्जत बख्शी। वे भाई, और जिस तरह आपने
पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो वाकई काबिल सताइश है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मुराद आप लेकर आए हैं वो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकूंगा। ये तो यार गलत हो गया यार, कर दिया मैंने। ये पता नहीं, ये पता लगवाया। लेकिन सर मैं सलमान, अब ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे बच्चों की जिंदगी की है। अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर ही फैसला कर रहा हूं मैं। इसका रिश्ता ही नहीं, इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। अब आप बताइए क्या करूं मैं। सर बेटी के बारे में सोचा, उसकी मर्जी के बगैर। जी उसकी मर्जी के बगैर। ओ भाई पूछ लिया, पर बंदे के दिल में जो था ना कि उसकी मर्जी पूछो। रोका नहीं जा रहा ना उससे, क्या जरूरत थी। अभी इनको बुलाया है मुझे शर्मिंदा करने के लिए। देखिए सर, तुम तो बात मत करो। आप बात ना करें बरखुरदार। बनता नहीं है आपका बात करना, बहुत गंदी बेइज्जती कर दी यार। तो भाई बेइज्जती है यार, बहुत गंदी। यार वो भी क्या करे, डरा दिया उस बंदे को, वो फंसा पड़ा है। ये खुश तो बंदा की यार, हाँ तो हो ही जाएगी। ये पता लगवाएगा, अब ये पीछे पड़ जाएगा, ये पता लगवाएगा भाई साहब। और जब इसको पता चलेगा ना, जो उसे छोड़े भी करेगा ये। पर ये किसे बताए कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। इसकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बता दे तो सही है। फिर वो शिवरा चली जाएगी घर, उसकी जिंदगी का फैसला आ रहा है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप उसको डोली में बिठा के किसी और के घर में रुखसत तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं छोड़ पाएंगे। ओहो, ये बोला था इसने। बहुत बड़ी बात बोल दी। ये भी क्या करे, डरेगा भाई ये तो बंदा। लेकिन यार अगर शिवरा को बता देना, वो उसको बता देगी शामिर को, वो करेगा फिर। अब इसी के दिल में है बस ये बात, और किसी को कुछ नहीं पता। अब देखते हैं गाइस, रिश्ते की तो मना हो चुकी है, मना हो गई। अब हुई भी कैसे है, अब देखते हैं कि शामिर पता लगाएगा या नहीं लगाएगा। बहुत बेइज्जती हुई है यार, और यार जो रोक के उसको यार मना करा है ना बरकुरदार, क्या कि ओए होए, बहुत गंदी बेइज्जती हुई है। मुंह पे मना कर दिया, मुंह पे मना। लेकिन एक तरीके से अगर उसकी तरफ से भी देखे ना, वो भी बंदा ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। बेटी की जिंदगी की वो कर रहा है, हाँ हाँ यार, मतलब वो मरने मराने की बात कर रही है। इन्हें कुछ पता ही नहीं है यार, ये तो अपने हिसाब से आए।
वो अपनी बेटी का पहले सोचेगा, वो भी ठीक है अपनी जगह। हाँ हाँ वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एपिसोड। बिल्कुल तो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।